बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 8 जियोग्राफी हिस्ट्री का हमारे पेपर आपके सामने मौजूद है। पार्ट ए के अंदर 43 नंबर का पेपर होगा, पार्ट बी के अंदर 52 नंबर का पेपर होगा, टोटल ये 100 नंबर का पेपर होने जा रहा है। सबसे पहले एमसीक्यू है जी, शोर की लुदकी की वजूहत बनती है ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना। मैं जैसे इसकी आपको आंसर बताते जा रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा ना स्टेटमेंट पढ़ूंगा, जिससे आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है, सेकंड का ऑप्शन नंबर जो सी है सल्फर दुरुस्त जवाब है, थर्ड का ऑप्शन नंबर बी है और फोर का भी ऑप्शन नंबर बी ही दुरुस्त जवाब है, ऐसे फाइव का भी ऑप्शन नंबर बी ही दुरुस्त जवाब है, सिक्स का ऑप्शन नंबर सी है और सेवन का भी ऑप्शन नंबर सी ही दुरुस्त जवाब है, एट का ऑप्शन नंबर डी है तो नाइन का भी ऑप्शन नंबर डी ही दुरुस्त जवाब है, टेन का ऑप्शन नंबर सी और इलेवन का ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है, ट्वेल्व का ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है, थर्टीन का ऑप्शन नंबर जो बी है और फोर्टीन का भी ऑप्शन नंबर बी शहरकारी इसका दुरुस्त जवाब है, फिफ्टीन का ऑप्शन नंबर ए रुई उठना इसका दुरुस्त जवाब है, 16 का ऑप्शन नंबर डी और 17 का भी ऑप्शन नंबर डी ही दुरुस्त जवाब है, 18 का ऑप्शन नंबर 1996 यानी कि बी वाला दुरुस्त जवाब है और 19 का ऑप्शन नंबर जो ए है फ्रांसिसियो की इसका दुरुस्त जवाब है, 20 का ऑप्शन नंबर बी और 21 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त जवाब है, 22 का ऑप्शन नंबर बी और 23 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है, 24 ऑप्शन नंबर जो सी है और 25 का ऑप्शन नंबर ए जोहरी हथियारों को महदूद करना इसका दुरुस्त जवाब है, 26 और 27 का ऑप्शन नंबर जो सी है दुरुस्त जवाब है, 28 का ऑप्शन नंबर जो बी है और 29 का ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त जवाब है, 30 को देखें तो ऑप्शन नंबर जो ए है 1947 इसका दुरुस्त जवाब है, 31 का ऑप्शन नंबर बी और 32 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट मेरे पास सब्जेक्टिव पार्ट है, पहला क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट सिस्टम और माशी तरक्की के बारे में क्या जानते हैं, और बी पार्ट इसका है पाकिस्तान में फजाई नकल व हमल की अहमियत की वजाहत करें। ऐसे इसके क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के भी दो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के भी दो दो पार्ट है, इनके जो आंसर है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास सब्जेक्टिव के आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और माशी तरक्की के बारे में आप क्या जानते हैं। इसका आंसर उर्दू मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में मौजूद है, ये वाला आंसर इंग्लिश मीडियम के लिए है, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है वो उर्दू मीडियम के लिए। नेक्स्ट इसके कुछ हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं जिसमें अंदर है डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड इंग्लिश मीडियम में, तजारत की तरक्की ये उर्दू मीडियम के अंदर आ जाएगा, यूटिलाइज ऑफ मटेरियल रिसोर्स यानी कि मादी वसाइल का इस्तेमाल है, लिंक बिटवीन इंडस्ट्री एंड रॉ मटेरियल सनत और खाम माल के दरमियान रवाबत, मोबिलिटी ऑफ लेबर, स्टेबिलिटी इन प्राइसेस कीमतों में इस्तेहकाम, इंक्रीज इन स्टेट इनकम रियासती आमदनी में इजाफा, ये मेरे पास इसका लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर था। इसके बाद बी पार्ट एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में फजाई नकलो हमल की अहमियत की आपने वजाहत करनी है इंग्लिश मीडियम के लिए, उर्दू मीडियम के लिए आंसर आपके सामने मौजूद है, आप लोगों ने इनकी स्क्रीनशॉट लेनी है और आपने इसको तैयार करना है। या फिर इसके फैक्टर भी दिए हुए हैं जिसके अंदर एयर ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, इंटरनल फैक्टर्स आ जाएंगे और उसके बाद इंप्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ओशंस वाटर इन आवर लाइफ, हमारी जिंदगी में समंदर के पानी की अहमियत की आपने वजाहत करनी है, आंसर आपके सामने ये मौजूद है, आप लोगों ने इनको तैयार करना है। पिक्चर कुछ क्लियर नहीं होती लेकिन ये जो गैस पेपर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इनको लाजमी तैयार कर लेना है, आपने इनकी स्क्रीनशॉट लेनी है और आपने तैयार करना है। नेक्स्ट बी पार्ट है व्हाट आर द थ्रेट्स दैट ओशंस आर फेसिंग नोवाडेज, समंदर को इस वक्त कौन से खतरात दरपेश है वो आपने बताना है, अगर आपने इनके आंसर बुक से मिल जाते हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज जो आंसर है वो आपके सामने ये मौजूद है, आप लोग ये वाले भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट डिस्कस केस एंड इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, हवाई लुदगी के सबाब और असरात पर आपने बहस करनी है, तो आंसर जो है वो आपके सामने ये मौजूद है जिसके अंदर इसके केसेस भी आप लोगों ने लिखने हैं, या किसके इफेक्ट्स आ जाएंगे, असरात जो है वो आप लोगों ने लिखने हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेन ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, हयाती तनों पर हवाई और पानी की लुदगी के साथ ही आपने वजाहत करनी है, आंसर आपके सामने मौजूद है, बुक से अगर मिलता है तो आप बुक से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग ये वाला आंसर जो आपके सामने मौजूद है इनकी स्क्रीनशॉट लेकर इसको भी तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट जी लेपिस का नजरिया और इसके अपने असरात आप लोगों ने लिखने हैं, लेपिस का नजरिया आपके सामने मौजूद है उर्दू मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। नेक्स्ट इसके अपने इफेक्ट्स भी लिखने हैं, असरात जो उनसे अगर बुक से आंसर मिलता है तो आप वो वाला भी कर सकते हैं, ये आंसर उनसे मेरे पास मौजूद है। पॉइंट आउट द ऑब्जेक्टिव एंड रूल ऑफ मुहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, ये आप लोगों ने बतानी है, उसका जो आंसर है वो आपके सामने ये दिया हुआ है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडियन इन वर्ल्ड वार टू, दूसरी जंग जी में हिंदुस्तान का किरदार आपने बयान करना है, रोल आप सबने लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम में और उसके नीचे ही इसका जो उर्दू मीडियम में आंसर वो भी दिया हुआ है। व्हाट वाज द कोल्ड वार एंड व्हाई डिड इट बिगन, सब जंग क्या थी और ये क्यों शुरू हुई, आंसर आपके सामने मौजूद है, रीजन भी आप लोगों ने इसके साथ में लिखनी होगी। ये मेरे पास जीवन हिस्ट्री ग्रेड 8 का फाइनल टर्म का मॉडल पेपर।